Good afternoon, everyone. So I'm Moeen Khan. I'm ranked 5 this year, JKAS 2022. So I have already, you would have seen, bahut se videos or glorification hoti hai. I think that's wrong. First point is this. और मुझे जो बोलना है, I would be a bit raw with you people, ठीक है? Because आज से 10 दिन पहले, I was exactly the same as you people or मतलब मैं अगर जैसे नहीं हुआ होता सेलेक्ट तो आई वुड बी हियर इन द सेशन मे बी मैं अथर सर को सुनने आया होता कि यार अगली बार कैसे होना है ठीक है तो आई वाज लकी इनफ कि हो गया मतलब ठीक है हार्ड वर्क सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपने मेहनत की है कि अल्टीमेटली वो मतलब उसका कुछ फल मिला मुझे उसके लिए आई एम सो सो ग्रेटफुल टू अल्लाह सो व्हाट वी वुड बी डूइंग टुडे इज जो अथर सर ने तो आपको ऑलरेडी ये मतलब तुमने दिस इज समथिंग जो सबको पता है कि आप मतलब सिलेबस याद करना है नोट्स पढ़ने हैं समथिंग लाइक दैट करंट अफेयर्स पढ़ने राइट सो व्हाट वी वुड बी डूइंग इज तुम लोग में से देयर वुड बी पीपल हु वुड बी हैविंग सम क्वेश्चंस राइट सो वी वुड बी टेकिंग दोस क्वेश्चंस वन बाय वन यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस ओके देखिए सर देयर आर मेनी पेपर्स यहाँ दिस इज नॉट एनी जेके एस एस बी एग्जाम यू आर गेटिंग वन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई कैन टेल यू द रिएक्शन मीन्स में मेरे देयर वर 8 पेपर्स एंड देयर वर 8 अदर रिएक्शंस सो आई कैन नॉट मैं फेस से वो दिखा नहीं सकता एक्साइटेड हैप्पी दैट कांट बी द केस देखिए मैं आई गॉट योर क्वेश्चन देखो सबसे पहले यू हैव टू टैकल दिस एग्जाम एक स्टेप मैनर में ठीक है ना देर आर 3 स्टेप्स टू दिस एग्जाम वी हैव द प्रीलिम्स वी हैव द मेंस एंड वी हैव द वाइवा मेरे लिए पर्सनली व्हाट आई थिंक इज द डिफिकल्ट पार्ट जो इस एग्जाम का द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट व्हाट आई कॉल एज इट वॉज मेंस आपको दिन में 2 पेपर्स लिखने हैं फ्रॉम 10 to 1 एंड देन फ्रॉम 2 to 5 एंड कंटिन्यूसली 3 दिन के लिए सो 3 दिन इज 24 into 3 ठीक है दैट्स अराउंड 72 आवर्स उसमें से आपको लिखना है 6 into 3 ठीक है लाइक 6 आवर्स अ डे 3 दिन तक 18 आवर्स ऑफ 72 आवर्स में जस्ट योर राइटिंग और फिर आपको यू हैव टू स्लीप आल्सो और वो प्रेशर अलग से कि यार मेरे पेपर्स कैसे जा रहे हैं किसी पेपर में कुछ ऊपर नीचे तो नहीं गया ठीक है ना आप रिएक्शन का जो पूछ रहे हो व्हेन यू गेट द फर्स्ट 2 पेपर्स दिस इज एसे एंड यू हैव द इंग्लिश पेपर उसमें रिएक्शन ओवरऑल सबका ठीक ही होता सो आई हैव रिटन समथिंग आई वॉज एबल टू कंप्लीट द पेपर तो दैट्स इट जैसे ही द रियल गेम स्टार्ट्स व्हेन यू गो फॉर द GS1 पेपर ठीक है वहां पे यू जस्ट टियर दैट पेपर की वो सील होती है देन देर आर 20 क्वेश्चन ठीक है 10 मार्क्स के यू हैव दिस 10 क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स 10 जब आप उन 20 क्वेश्चंस को एक ऊपर से वो देखते हो फॉर द फर्स्ट 2-3 मिनट्स देन देयर कम्स योर फर्स्ट रिएक्शन अपने आप के साथ कि मेरा क्या होने वाला है इस पेपर में राइट एंड लेट मी टेल यू पीपल दिस थिंग अभी आप लोग भी देखते होंगे मुझे पता है यू श्योरली वुड हैव सीन द पेपर्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस और मैंने भी देखे 2 साल पहले आज से ठीक है इट वॉज ऑगस्ट 2021 मुझे कुछ भी नहीं आया मतलब मैं सोच रहा हूँ यार ये लोग करते कैसे है ठीक है सेम मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा हाउ द जर्नी स्टार्टेड यूट्यूब से अब मतलब मुझे पता था कि सिविल सर्वेंट बनना है इट्स नॉट कि मैं यूट्यूब से मोटिवेट हुआ और मैं सिविल सर्वेंट बना तो हाउ इट स्टार्टेड वॉज कनिष्क कटारिया टॉपर थे और अथर सर के तो सबने ही हमने वीडियो देखे मतलब इनका तो बोलना ही नहीं है जे एंड के में जिस जो अथर आमिर को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता राइट एटलीस्ट यूपीएससी जेके पीएससी कैंडिडेट राइट मैंने कनिष्क कटारिया का वीडियो खोला तो आई वॉज लाइक कैसे करते वो भी बोले सिलेबस पढ़ना है यू हैव टू बाय द सिलेबस एंड ऑल दोस थिंग्स बट पता पहला क्या होता है हाँ आप सबको लगता होगा कि इस एग्जाम में मुझे लगता है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ठीक है एक बार आप शुरू हो जाओ ना फिर आपको पास मिल जाती है लेकिन मुझे लगता है 90% ऑफ द कैंडिडेट्स अगर मैं बोर्ड का थोड़ा यूज करूं आई हैव शेयर्ड दिस 2-3 बार स्टिल आई वुड शेयर इट हियर ऑल्सो फिर मुझे ये समझ आया जो मैंने मतलब आई वर्क फॉर 2-3 मंथ जब मैंने स्टार्ट किया फिर मुझे ये चीज समझ आई चलो दिस इज ए पॉइंट ठीक है एंड दिस इज बी पॉइंट ये यहाँ पे इट्स यू मी हम सब जो मतलब सिलेक्टेड नहीं होते बस हमारा एक सपना होता है वी हैव टू गो मतलब हमें एग्जाम देना है वी हैव टू क्वालिफाई पहुंचना यहाँ पे होता है
दिस इज आज का दिन जब मैं चाणक्य में तुम लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ कि मैंने कैसे किया, ठीक है? दिस वॉज द जर्नी. पता वॉट पीपल डू इज मोस्ट ऑफ अस, हमारी जर्नी पता कैसे होती है? ये होती है ना, दिस इज द जर्नी. 90% कैंडिडेट्स की जर्नी यही होगी. इसमें कोचिंग भी आएगी, इसमें एवरीथिंग, इसमें डिप्रेशन आता है, इसमें हार्ट ब्रेक्स आते हैं, मेनी मोर थिंग्स. ये जब ये देखो ना, तुम चलना कहाँ कहाँ से, कितनी कर्व्स है, इसमें 5 साल लग जाते हैं. तब तक हम हो गए होते हैं 30 के. हमने JKSSB में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कुछ अकाउंटेंसी अलग था, वो तो JKPSC में था ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं होता, हम उसमें भी फेल होते. दीज आर टॉकिंग अबाउट मी. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू. यू जस्ट डोंट टेक इट अदरवाइज. मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक जनरल कैंडिडेट मैं भी हूँ. मैं आई हैव ऑल्सो फिल द JKSSB फॉर्म्स. मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था ना आज, अभी कुछ देर पहले मैं फोन पे अभी टेक्स्ट देख रहा था, समबडी टोल्ड मी कि उसका रिजल्ट आने वाला है. मैंने 2 बार एग्जाम दिया वो, ठीक है, JK दिस SSB एग्जाम. मेरा पहली बार भी हो गया, आई क्वालिफाइड इट विद गुड मार्क्स, एग्जाम कॉश हो गया, ठीक है. अब मेरे हाथ में था उसको कुछ, मैं क्या कर सकता था, नथिंग. मैं इधर जाता इस लूप में, अब नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता यहां, तो फिर मैं आज यहां पहुंचा ही नहीं होता, मत मैं उसी लूप में रह जाता. व्हाट वी पीपल डू इज, अब आज दूसरी बार ये वाला रिजल्ट मेरा आ गया, मैं अब फिर से सिलेक्ट हूं उसमें आज, इवन दो आई वॉन्ट ज्वाइन इट नाउ. बट जो मेहनत थी ना, मैं तुम लोगों को इतना बोलूंगा, वो कभी जाया नहीं होती है, ठीक है ना, वॉट एवर एग्जाम यू गो फॉर. हमें लेकिन अब इस स्ट्रैटेजी में, मतलब तुम्हें नहीं कैसे नहीं जाना है, दैट्स व्हाट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट, राइट. हमें ऐसे आना है, लेकिन हम हुए जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीरी खासतौर पर, मोस्टली वुड बी कश्मीरी पीपल, ठीक है. सीधा हम चलेंगे नहीं कभी भी, है ना, वो कोई नहीं चल सकता हम में से. हम क्या करते हैं, सीधा क्यों नहीं चलेंगे, इट्स नॉट कि हम वी आर एफिशिएंट. हम अथर सर भी हम में से ही है, वो सीधे चले थे, ठीक है. व्हाट वी डू इज, हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन की होती है. होता है, अभी तुम लोग ये लेक्चर सुन के जा रहे हो ना, अथर सर का सुना तुमने, मेरी तो बात ही छोड़ो, मतलब अथर सर का सुन के यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ. पता होगा क्या, अभी इट्स अराउंड 2:30, 5 बजे तक तुम घर पहुंचोगे, मोटिवेशन कितनी हाई होगी आज, है ना. यू आर सीइंग सम यंग पीपल बकवास कर रहे तुम्हारे सामने, समथिंग लाइक दैट, राइट. अभी मेरे भाई भी बोलेंगे, 5 बजे तुम बोलोगे अब 8 बजे से 2-3 घंटे रेस्ट, 8 बजे से आज लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर खत्म, और फिर आज इट्स समथिंग, फिर तुम्हें कल चाणक्य की क्लास होगी, तुम शाम को 1 घंटा पढ़ोगे, बोलोगे आज थक गए, अब कल क्लास देख के पढ़ूंगा. और हमारे ऐसे ही निकल जाते, 6-7 महीने तो इसी में चले जाते. दिस इज प्रोकेस्टिनेशन जो हमें होती है. भाई मेरे साथ भी होती थी, समझा मैंने कोचिंग नहीं ली है, ठीक है, तो कोचिंग वाला वो 2-3 घंटे का मुझे नहीं पता, वो हाउ यू मैनेज, यू पीपल मैनेज दैट. मेरी जर्नी कुछ ऐसे रह गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. जिंदगी में सैग तो होता है. अब अगर ऐसे जाना है, दिस इज आई वुड से वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है कि दिस इज अनअटेनेबल. जैसे अथर सर की जर्नी, इट वॉज, इट आई कैन नॉट से, मैं मतलब उन पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट वॉज स्मूथ, मतलब उनने एग्जाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक समथिंग लाइक दैट. अब लेकिन अथर सर की जर्नी, उनको जो जैसे वो बोल रहे थे, ए से बी तक उनको पता था जाना कैसे, ठीक है ना, एटलीस्ट तभी वो रैंक, मतलब उस रैंक पे आ सके. मेरी जर्नी ऐसी रही, सैग वाली थोड़ी सी, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वाले प्रोसेस पे नहीं गया. अब मैं वहां पे कैसे नहीं गया, बिकॉज आई न्यू कहां से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, तुम जैसे लेट्स टॉक अबाउट, मैं सिलेबस को जो लेट्स टॉक अबाउट प्री फर्स्ट, राइट. तो मैं सिलेबस को, सब बोलते कि सिलेबस याद करना है, मैंने कैसे याद किया, मैं उसको बोलता हूँ बिग फाइव, ठीक है, प्री के सिलेबस को बिग फाइव. तो व्हाट इज बिग फाइव, मैं बोलता हूँ कि दिस इज पॉलिटी, दिस इकोनॉमिक्स, व्हाट एल्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए ना. नाउ तुम लोग बोल रहे हो कि साइंस एंड टेक कहाँ रखा इसने, IR कहाँ रखा, होते ना वो भी सब्जेक्ट्स. लेकिन व्हेन यू सी द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, ये 5 सब्जेक्ट जो है, अगर आपको इन सब का स्टैटिक पता है ना, स्टैटिक इनमें से ही आने वाला है. साइंस एंड टेक की बात रही, इसमें अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट्स से 15 आते हैं, उनमें से 12 सवाल
हमेशा करंट अफेयर्स में से होंगे, बीट यूपीएससी और जेके पीएससी। लेकिन पॉलिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2022 के पेपर की बात करो, देयर वाज अ क्वेश्चन प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है। ठीक है, ये डायनेमिक क्वेश्चन है या स्टैटिक क्वेश्चन है? अब मेरे पेपर में 2022 के प्रीलिम्स में देयर वाज सम 15 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, एंड आई कैन बेट अगर आप घर जाके देखोगे ना, इसमें से 10 सवाल जो है वो सीधे स्टैटिक के और लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ क्वेश्चन द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ कॉन्सेप्ट, राइट, वो किसने दिया था? देयर वाज अ फ्रेंच जज, मोंटेस्क बोलते थे उसको, ठीक है, वो भी लक्ष्मीकांत में था क्वेश्चन, वो नोट्स एंड रेफरेंसेस में था, पार्ट टू के चैप्टर नंबर वन के नोट्स एंड रेफरेंसेस में, ठीक है, तो वो वहां से, मतलब यू कुड हैव फाइंड दैट। बोलने का ये मतलब है जब तक आप बिग फाइव का स्टैटिक नहीं पढ़ोगे और आपको पता नहीं है कि कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, आप इस एग्जाम में कभी मतलब जो डायरेक्ट वाला पाथ है उस पर चल ही नहीं सकते हो, जो मैंने मिटा दिया अभी, ठीक है, यू वुड ऑलवेज बी इन दैट क्लटर्ड पाथ, ठीक है। तो जस्ट अगर आप कोचिंग आ रहे हो ना, कि आप चाणक्य में आ रहे हो, दिस इज अ बिग एकेडमी, मतलब यू हैव लॉट ऑफ टीचर्स जिनमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन है उनके पास, पता है एक चीज हमेशा टीचर से बोला करो कि सर मेरे को बताओ अगर मेरे को पॉलिटी पूरा पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो बता दो मुझे, ठीक है, ताकि तुम एक टारगेट रखो कि यार मेरे पॉलिटी में टोटल 50 टॉपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं इनको पढ़ रहा हूं, पहला तो होता है रीडिंग, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इनको रिपीट कर रहा हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज अदर स्ट्रैटेजी, इसको RRR बोलते हैं, और दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट एनीबॉडी वुड टेल यू जो भी एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि मैंने रिपीट नहीं किया था, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। इस एग्जाम का मंत्र ही यही है, इफ यू वांट टू क्वालिफाई आपको पहले पढ़ना है द फर्स्ट रीडिंग द सेकंड रीडिंग एंड देन यू हैव टू रिपीट रिपीट एंड रिपीट। अब लेकिन कैसे रिपीट करोगे तुम? अब एक दिन मैंने पॉलिटी पढ़ी लक्ष्मीकांत से, दूसरे दिन मैं खोल रहा हूँ डीडी वासु, तीसरे दिन मैं खोल रहा हूँ पता नहीं चाणक्य के नोट्स, हो पाएगा रिपीट ये? डू यू थिंक होगा? नहीं होगा। अगर तुम इधर से पढ़ रहे हो, जस्ट रीड फ्रॉम दिस सोर्स, हो गया खत्म पॉलिटी, आप यहां से पढ़ रहे हो, जस्ट रीड इट फ्रॉम हेयर, तुम डीडी बासु से पढ़ रहे हो, जस्ट रीड इट फ्रॉम हेयर। हाँ, आप बोलते हैं लोग कुछ थोड़ी सी हमें एनरिचमेंट्स करनी होती है, तो मुझे एक बात बताओ, मतलब पहले जब जिसको ये नहीं पता है कि प्रेजिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, वो एनरिचमेंट क्या करेगा? ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग शुड बी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है हमारी, जैसे पॉलिटी में द बाइबल इज लक्ष्मीकांत, राइट, इफ एनीबडी ऑफ यू जिसने स्टार्ट की है प्रिपरेशन, उसको सबसे पहले रखना चाहिए दिमाग में टारगेट कि मैं लक्ष्मीकांत को जो है वो पढ़ लूंगा। ठीक है, देयर आर सम चैप्टर्स जैसे फंडामेंटल राइट्स है, देयर इज प्रेसिडेंट, देयर इज पार्लियामेंट, इनमें से डेफिनेटली आपके प्री में क्वेश्चन आएंगे, बी इट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स और केएस प्रीलिम्स। ठीक है, तो जस्ट डिफाइन योर सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस में बस इतना लिख के है कि करंट एंड समथिंग इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ, वो करंट अफेयर होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ करंट अफेयर्स, हाउ वुड यू डिफाइन दैट नाउ, कौन से इवेंट? अब आप एक पर्टिकुलर, जैसे अथर सर ने बोला एक पर्टिकुलर मैगजीन पकड़ लो, उसमें मैंने विजन से किया था, ठीक है, जो मंथली होता है विजन का मंथली, मैं साइंस एंड टेक कैसे प्रिपेयर करता था, आई वुड लेट यू नो, मैंने कोई एनसीईआरटी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी साइंस एंड टेक के लिए, नथिंग, मैं मंथली मैगजीन्स लाता गया और मेरे लिए साइंस एंड टेक का हर महीने एक चैप्टर होता था मंथली मैगजीन में, विजन में एक चैप्टर होता है लास्ट में साइंस एंड टेक करके, उसमें बहुत से टॉपिक्स होते हैं, राइट, जैसे अगस्त का महीना है देयर वुड बी चंद्रयान, देयर वुड बी आदित्य L1, और मैं उसको भी हाईलाइट करता था एक हाईलाइटर लेके, कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज भी याद है, आई वुड शेयर दिस थिंग विद यू, मेंस हमारा फेब में था, ठीक है, जब मैंने जनवरी में विजन की करंट पढ़ी, देयर वाज दिस, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने इंडेक्स खोला विजन की मैगजीन का, ठीक है, इंडेक्स होता है पहले, उसमें ऐसे होता है पॉलिटी, फिर पॉलिटी के टॉपिक्स, देन IR, फिर IR के टॉपिक्स, फिर एनवायरमेंट के, मैंने देखा यार इकोनॉमी में एक टॉपिक है मूनलाइटिंग, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये क्या मूनलाइटिंग, मतलब चांद पे बल्ब जलाना है, अगर मेरे को ये मेंस में आया होता मैं क्या लिखता उसमें, कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग। तो मैंने देखे टॉपिक्स, मैंने बोला रादर देन मैं इनको अब पढ़ूंगा, पहले मेरे को मूनलाइटिंग पता ही नहीं, मैं पहले मैंने पेज खोला, देखा कि मूनलाइटिंग क्या होता है, ठीक है, उसको याद रखा, तो उस टॉपिक को अपने नोट्स पे लिख दिया कि मूनलाइटिंग मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है। देयर वाज वन मोर टॉपिक, जियोग्राफी, बीइंग ए सिविल इंजीनियर मैं वो बंदा था, मुझे पता ही नहीं था मास वेस्टिंग क्या होता है, मैंने लैंडस्लाइड्स पढ़े थे, ठीक है, जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ी है, लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन आता कि राइट डाउन ए नोट ऑन मास वेस्टिंग, मुझे मैं शायद सीवेज का वो कुछ लिख देता कि डंपिंग साइट्स में कुछ वैसा, ठीक है, तो वो भी मुझे करंट अफेयर की मैगजीन से पता चला। तो दिस इज मतलब हाउ यू रिलेट करंट को स्टैटिक के साथ, इवन दो मैंने पढ़ा हुआ था वो चैप्टर्स, लेकिन शायद मेरा ध्यान उन चीजों पर नहीं गया था, ठीक है ना,
लेकिन करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आई वुड टेल यू फॉर द फर्स्ट वेरी टू मंथ्स जिनमें आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अपने जो बिग फाइव है मतलब स्टैटिक के एनवायरनमेंट हिस्ट्री, इनकी कोई सोर्सेज होंगी जो आप लोगों को कहीं भी मिलेंगी, एवरीबॉडी इज गोना टेल यू दो सोर्सेज। जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, एनवायरनमेंट में बहुत से लोग शंकर पढ़ते थे, अब द ट्रेंड हैज चेंज अ लिटिल बिट, हम जाते हैं अब PMFIS की मंजुनाथ थनमिंडी करके एक किताब आती है, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं, मतलब आई एम टेलिंग द स्टैंडर्ड बुक्स। हिस्ट्री में यू हैव मॉडर्न इंडिया, यू हैव एंशियंट एंड मिडीवल, उनके लिए भी आपको सोर्सेज मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जो चीज़ आपको मिली है, फॉर एग्जाम्पल एंशियंट इंडिया, आप चाणक्य के नोट्स से पढ़ रहे हो, आप उसी से पढ़ो और बार बार रिपीट करते जाओ उसको, ठीक है ना। अब उसको चेक कैसे करना है, आपको टेस्ट सीरीज होती होंगी चाणक्य की भी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उन पे जाके यू जस्ट ट्राई कि मेरे को कितने आ रहे हैं, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके एक फुल लेंथ टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, ठीक है, 4 महीने की प्रिपरेशन के बाद फॉर 6 आवर्स यू वुड हार्डली बी एबल टू, मतलब ठीक तुम 20 सवाल करोगे इसमें से हार्डली, और अगर मतलब मेरे जैसा बंदा वो 10 ही कर पाएगा। आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन 100 सवालों में से 10 सवाल वो वाले जिन पे यू आर श्योर कि भाई ये मैंने ठीक किए, वो वहीं पे पता चल जाता है, ठीक है। तो इससे लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना, मेरे साथ भी हुआ, बट स्टिल आई एम हियर विद रैंक 5, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ना, हमें, मैंने जो कहा 90% कैंडिडेट्स को, यहीं पे हम उस लूप में चले गए होते इस वाले में, क्योंकि हमें जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना, हमें कुछ भी नहीं आता है उसमें से, लेकिन यू हैव टू कीप मूविंग राइट, प्रीलिम्स के टाइम तक यू हैव टू कीप मूविंग। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, मतलब उस लूप से बचने के लिए, तो ये वाली स्ट्रैटेजी मेहरबानी करके, एक तो बिग फाइव एंड RRR फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी ऐसा होता है, तो हमेशा जो पहले आपका स्टैटिक पोर्शन है उस पर पूरी होल्ड बनाओ। लास्ट एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू पीपल इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, ठीक है, हिंदू पढ़ते हैं हम, मैंने हिंदू पढ़ा था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने भी सोचा कि मैं स्टार्टिंग पहले दिन से ही हिंदू से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा। मुझे देयर वर 50% न्यूज जो मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या बोल रहे, खासतौर पर इकोनॉमी में कुछ भी समझ नहीं आया। वहां लिख के था आज रेपो रेट बढ़ गया कुछ 0.5%, मैं बोलूँ क्या रेपो रेट, ये क्या होता है, ठीक है। वो मुझे पता कब समझ आई, जिस टाइम पे मैंने बिग फाइव में इकोनॉमी की किताब लाई एक, मैंने उससे रेपो रेट पढ़ा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी वॉलिसी होती है उसमें रेपो रेट होता है, फिर मुझे समझा अच्छा इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, अच्छा फिर अखबार पे वो लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ यू रिलेट द करंट विद स्टैटिक, पहले लेकिन स्टैटिक को थोड़ा फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग इट विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? If you people have related to something else, किसी को depression पे सवाल पूछना है, it's not only about पढ़ाई, पढ़ाई पे तो you get a lot of videos also on YouTube, anything जो journey के related, any questions? Yes ma'am, you can ask. Weak point, मैंने कहा as most of us have this weak point, procrastinate मैं बहुत करता था, ठीक है। एंड दैट टू, पता है हम लोग कोचिंग बेसिकली ज्वाइन क्यों करते हैं, इसलिए नहीं कि कोचिंग में कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, कोचिंग में ही, कोचिंग करने के बिना हम सिलेक्ट नहीं होते, हमें पता होता है हम घर पे, अगर ऐसे तुम्हारी 10 बजे क्लास होती है यहाँ पे चाणक्य में, तो पता है यार 9 बजे मैं उठूंगी मैं चाणक्य जाऊंगी और मेरे 2-3 घंटे मैं एटलीस्ट दिन में पढ़ लूंगी। उस वजह से मुझे भी वो डर था कि पता नहीं मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं खुद पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मैं पढ़ूंगा भी या नहीं, ठीक है। तो पहले 1-1.5 महीने मुझे बहुत मुश्किल हुआ, बहुत बहुत मुश्किल, आई स्टिल रिमेम्बर इट, अभी 2 साल पुरानी बात है, बट वॉट आई डेड वॉज, मैंने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया अपने लिए, ठीक है। मुझे पता था मैं 7 बजे नहीं उठूंगा, मैं एक दिन रखता कि मैं 7 बजे उठूंगा, मैं नहीं उठता, और एवरीबडी इज डिफरेंट, कोई उठ सकता है कोई, मेरा टाइम टेबल होता था फ्रॉम 6 आवर्स अ डे, जब स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम 10 AM to 1 PM, और उसमें बीच में चाय वाय पीता था फॉर सम टाइम के, गाने वाने एक दो सुन लेता था मैं, दुखी उखी वो ये, तो हो गया मसला खत्म। फिर फ्रॉम 1 to 2 मैं नमाज वमाज भी पढ़ता था, मम्मा भी बोलती थी तो यू हैव टू, तो उसके बाद मैं लंच भी करता था, फिर 2 से 5 तक अगेन मैं फिर से बैठता था पढ़ने। लेकिन पता हमारे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, मैंने सोशल मीडिया डीएक्टिवेट नहीं किया, जो मुझे लगता है गलती भी की, ठीक है, आई वुड टेल यू करना चाहिए डीएक्टिवेट। तो मैं फोन साइड में रखता था, मतलब रख दिया म्यूट पे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना आए। पहले 1-1.5 महीने मैं, मुझे आदत थी, मैं फोन उठाता था, फिर इंस्टा पे रील्स बीच में, फिर मैंने देखा यार मैं तो 6 घंटे मैंने टाइम टेबल रखा है, मैं ये भी पूरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो व्हाट आई डिड वाज, उसके बाद एक अच्छी चीज हुई बीच में, तो मतलब मेरा यहाँ पे रूम है, उसके आगे मेरे पापा का रूम है। मैं क्या करता था, मैं फोन लेके जाता था ऑफ करके, मैं पापा के रूम में रख देता था फोन, ठीक है। बहुत टाइम तक मैंने ये भी किया, यू कैन आस्क माय मॉम अगर वो कभी मिली आप लोग से। तो एक बार तो मैंने मतलब बिफोर प्री मैंने क्या किया, मैंने बोला मम्मा को मैं फिर भी जाता हूँ रूम में अपने रूम से और फोन लाता हूँ वहां से, तुम काम करो, तुम रूम को ही बंद करो, ठीक है। अब मुझे पता मेरे पास फोन ही नहीं है, क्योंकि फोन मुझे लगता है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो हमारे लिए है ना, इट इज फोन, तुम मानो या ना मानो, और मेरे जैसे बंदे के लिए तो भाई बहुत ज्यादा। मुझे अभी पता नहीं 600 मैसेजेस है फोन पे, और अब आज तो माशाल्लाह कैंडिडेट्स की मैसेजेस है, वो ऐसे भी दोस्तों की, मैं दोस्ती, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, वो दोस्ती यारी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। दोज आर सम ऑफ द थिंग्स। और मैम इफ यू आर कमिंग टू द कोचिंग क्लासेस, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू पीपल जो कोचिंग आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों से कितने यहाँ पे पढ़ते, इफ दे गिव यू 3 आवर की क्लासेस देते हैं वॉट एवर इट इज, उसको तुम ऐसे लो तुमने कुछ नहीं किया दिन में, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। जब तक तुम घर जाके अगर खुद 4 घंटे नहीं दे पा रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तुम बस अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि मैं बस पढ़ रही हूँ यूपीएससी के लिए, ठीक है। एवरी डे शाम को अपने आपको यू जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द डे। फॉर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल आई एम गोना गिव यू पीपल इज लक्ष्मीकांत किताब है ना, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू मैं 3 घंटे में रिपीट करता हूँ, नहीं मानोगे, बोलोगे फेंक रहा है, रैंक 5 आया, कुछ भी फेंक सकता है ना। आई डू सम कभी मैं अभी यही सेशंस है, ग्लोरिफिकेशन सेशंस मैंने वो किया ये किया, कभी मैं आगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिला आई वुड ट्राई टू वो एक सेशन लेने की कोशिश करूंगा मैं, आई वुड जस्ट शो कि कैसे मतलब एटलीस्ट इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हैज 11 पार्ट्स, राइट। तो उसके जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है, दीज आर द बल्कियस्ट पार्ट्स, ठीक है। आई वुड शो एटलीस्ट कि ये 3 पार्ट कैसे हम 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं, और सारा जैसे अथर सर बोल रहे थे, देयर कम्स अ टाइम जब आप इतना रिपीट करते हो ना, मैं लक्ष्मीकांत को ऐसे पढ़ता था, मतलब अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेंट फीचर्स, प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मुझे याद है। इफ यू टेल मी लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मैं अभी पढ़ूंगा यहाँ पर पूरी लक्ष्मीकांत, और हार्डली आई वुड उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स छोड़ूंगा। वो कैसे हुआ, बिकॉज मैंने कुछ भी और नहीं पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ी, 2 साल से लक्ष्मीकांत को 12 बार रिपीट करता गया, और वैसे नहीं कि मैं हर बार एक लाइन पढ़ता गया कि इफ देयर इज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब मैं बार बार उधर देखा, फिर बुक से पढ़ा राइट टू इक्वालिटी, मेरे को पता है आर्टिकल 14 है, मैं अपने आप को खुद सुनाता था, अच्छा ये राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूके से लाया, अच्छा ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये हमने यूएस से लाया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या होता है, अनलाइक कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है, ओके राइट टू इक्वालिटी। अगर मुझे पूछा गया ये होता क्या है, मैं बोलूंगा एवीडीसी का 3 पॉइंट्स, अच्छा एवीडीसी का 3रा पॉइंट जो है वो इंडिया में अलग है और यूके में अलग है, मुझे वो भी पता है। फिर मैं देखता हूँ उसके बाद में, फिर लक्ष्मीकांत को देखता हूँ, मैंने मत कुछ छोड़ा इसमें, फिर मुझे याद आ गया इसका, हाँ मैंने छोड़ा, क्या छोड़ा, इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है राइट टू इक्वालिटी की, आर्टिकल 361 गवर्नर प्रेसिडेंट आ रहा है मुझे याद अब, ठीक है ना। सो दैट इज द पॉइंट, वही मेंस में भी होता है, व्हेन यू सी ए क्वेश्चन वहां पे कसम से तुम्हारे पास यू डोंट हैव द टाइम कि तुम, हम करते हैं ना 10वीं 12वीं में हमें आदत होती है, अच्छा अब बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, मेंडल की थ्योरी, मैंने तो ये सोची थी पहले मैं ये पॉइंट लिखूंगा, अगर तुम यहां सोचने बैठे ना 2 क्वेश्चन तो चले गए पहले पेपर के मेंस के, इतना ज्यादा तेज, और मुझे तो लगता है दिस इज समथिंग आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, मुझे लगता है पता नहीं क्या है मीन्स, मतलब इतना तेज और यू हैव टू राइट, मतलब हाँ सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आप वो कैसे कर सकते हो, ओनली आफ्टर रिपीटेशन, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू इट। और ट्रस्ट मी मेन्स और प्रिलिम्स में ऐसा हो गया एग्जाम, वन लास्ट दिस टॉपिक जो मैं आई वॉन्ट टू टच इज द डायनेमिक्स ऑफ द एग्जाम, ठीक है। अप टू 2018 इफ यू पीपल वुड हैव सीन द पेपर्स, राइट, जेकेपीएससी दे रहे हो ना, पेपर नहीं देखे 2018 तक क्या आता था क्वेश्चन, मैंने शायद शेयर पहले भी किया, आई वुड शेयर इट वंस अगेन विद यू पीपल। रिसेंटली एक न्यूज बताऊंगा, तुम लोग अगर पढ़ते होंगे जेके एसएसबी या जेके पीएससी की न्यूज या ओवरऑल, अनंतनाग में मुश्कबुज्जी राइस है, उसको जीआई टैग मिला, राइट। पता है 2018 तक पेपर में क्या आता, मतलब दिस इज अ ट्रेंड आई एम टेलिंग यू, अभी 1-2 साल बाद जो मेरे बाद कैंडिडेट्स आएंगे मे बी इट वुड बी समथिंग एल्स। 2018 तक ट्रेंड होता था, दे वुड आस्क यू ओके सो दिस क्वेश्चन इज कि रिसेंटली किसको जीआई टैग मिला, ठीक है, तो पता है मुश्कबुज्जी राइस, देखा हाँ 2 नंबर तो हो गए, चलो आगे, ठीक है। कट ऑफ भी वैसे ही जाते थे, कट ऑफ इन 2018 वाज इन प्रीलिम्स इट वाज 93, एंड डू यू नो व्हाट वाज द कट ऑफ दिस टाइम इन 2022 प्रीलिम्स जेकेपीएससी, इट वाज अराउंड 55 इन ओपन मेरिट। किधर पहुंचा है कट ऑफ,
तो अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है वो तेरे तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है, मेरे लिए भी आ रहा है, एवरीबडी ऑफ अस, उस चीज को मत पैरामीटर बनाओ कि अब ये हो ही नहीं सकता है। पेपर डिफिकल्ट है सबके लिए, पेपर इजी है सबके लिए। नाउ मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, अब वो तो 2018 था, अब यही करंट अफेयर अगर मैं आज पढ़ रहा था, ठीक है ना, मुश्कबुज्जी राइस, मैंने पढ़ लिया कि मुश्कबुज्जी राइस है, मुझे जी आई टैग लेकिन नहीं पता था, तो मैंने अपने दिमाग में प्रीलिम्स का यहीं पे क्वेश्चन बना दिया। अगर मेरा नहीं होता 2022 में, 2023 के लिए मैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा रहा था बिफोर हैंड कि जो ये जी आई टैग है कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मतलब मैंने दिमाग में अपने से क्वेश्चन बनाया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जी आई टैग प्रीलिम्स। पॉइंट नंबर ए, इट इज गिवन बाय डिप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मॉकी। फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है मुझे ये पता है। सेकंड पॉइंट, जो जी आई टैग है क्या ये दवाइयों को दिया जाता है 20 साल के लिए, ड्रग्स को दिया जाता है जी आई टैग, ये वहां एक स्टेटमेंट हो सकती है ऐसे भी। और तीसरा पॉइंट जो JKSSB का सवाल कि रिसेंटली इट वॉज गिवन टू मुश्कबुज्जी राइस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, दिस वॉज ए क्वेश्चन। तो जब आप पढ़ रहे हो ना खासतौर पर करंट अफेयर्स भी, जस्ट ट्राई टू मेक, पता है एवरीबडी ऑफ वुड एवरीबडी अमंग यू वुड टेल दिस थिंग 370/22 बार इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए। जरा एक कोई बंदा तुम में से क्वेश्चन बना के दिखाओ 370 पे, पढ़े होंगे ना करंट 370, अब अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त भी बात चल रही है उस पर, ठीक है ना, क्या एक क्वेश्चन बनाओ प्रीलिम में जैसे 370 पे क्वेश्चन आ सकता है, क्या पूछेंगे 370 का ड्राफ्टर कौन था, क्यों बोल रहे हो तुम ना, क्योंकि तुमने पेपर को एटलीस्ट पेपर समझा कि आजकल हाउ पेपर इज बीइंग आस्क्ड, अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। JNK को इट वॉज ए स्टेट, राइट, इट वॉज ए स्टेट, इस स्टेट को तोड़ दिया, इसको दो यूनियन टेरिटरीज बना दी, तुमने पॉलिटी पढ़ी है ना, ठीक है, देयर इज अ चैप्टर इन पॉलिटी, उसमें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 आता है, दैट दे वर यूज्ड, ठीक है, उन चीजों पे क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दिस आर्टिकल इज इन न्यूज। सिमिलरली द इंटरप्रिटेशन पार्ट ऑफ आर्टिकल 367, 370 तो आर्टिकल का नाम है, केस का नाम है, वेन यू रीड इट फ्रॉम विजन और चाणक्य IAS और किसी भी अकेडमी केस से, यू वुड बी सीइंग कि एक इस केस में एक इन्वॉल्व है आर्टिकल दैट इज 367। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन, जैसे मेरे को भी पहले लगा शायद हमने सुना है अमेंडमेंट होता है पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, राइट, दैट हैज नॉट बीन यूज्ड हियर, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कवर फॉर दिस एग्जाम, नॉट कि आर्टिकल 370 का ड्राफ्टर कौन था, आर्टिकल 370 किस डेट को इंप्लीमेंट हुआ, देयर आर वेरी वेरी रेयर चांसेस दोज थिंग्स वुड बी आस्क्ड। वैसे शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चंस पता है किस पे आएंगे, तो फॉरगॉटन किस आर्टिकल में आता है, इज इट ए फंडामेंटल राइट, है इट इज ए फंडामेंटल राइट, पुट्टा स्वामी जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में दिस दिस पार्ट, ठीक है, कोर्ट ने मेनिका केस के बाद बोला था फलाना फलाना चीजें भी आर्टिकल राइट टू लाइफ में आएंगी। राइट टू लाइफ का मतलब इतना ही नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन देंगे हम सिर्फ आर्बिट्री लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन से, उसमें राइट टू स्लीप इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, डू यू नो दिस थिंग। तो दीज आर द थिंग्स जो करंट को आपको लक्ष्मीकांत के साथ जोड़ना है, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत सी एग्जाम्पल्स दी है, मेरे बाकी भाइयों को भी बात करनी है तो वो नाराज हो जाएंगे, तो दैट्स इट, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो आई एम मोइन खान, आई एम रैंक 5 दिस ईयर JKAS 2022। सो आई हैव ऑलरेडी, यू वुड हैव सीन बहुत से वीडियोज और ग्लोरिफिकेशन होती है, आई थिंक दैट्स रॉन्ग, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, और मुझे जो बोलना है आई वुड बी अ बिट रॉ विद यू पीपल, ठीक है, बिकॉज आज से 10 दिन पहले आई वॉज एग्जैक्टली द सेम एज यू पीपल, और मतलब मैं अगर जैसे नहीं हुआ होता सेलेक्ट तो आई वुड बी हेयर इन द सेशन, मे बी मैं अथर सर को सुनने आया होता कि यार अगली बार कैसे होना है, ठीक है, तो आई वॉज लकी इनफ कि हो गया, मतलब ठीक है, हार्डवर्क सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपने मेहनत की है कि अल्टीमेटली वो मतलब उसका कुछ फल मिला मुझे, उसके लिए आई एम सो सो ग्रेटफुल टू अल्लाह। सो वट वी वुड बी डूइंग टूडे, जो अथर सर ने तो आपको ऑलरेडी ये मतलब तुमने दिस इज समथिंग जो सबको पता है कि अब मतलब सेलेबस याद करना है, नोट्स पढ़ने हैं, समथिंग लाइक दैट, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, राइट। सो वट वी वुड बी डूइंग इज, तुम लोग में से दे वुड बी पीपल हु वुड बी हैविंग सम क्वेश्चंस, राइट, सो वी वुड बी टेकिंग दोज क्वेश्चंस वन बाय वन, यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस, ओके। नोबडी हैज एनी क्वेश्चन, तुम लोग सेशन अटेंड करने क्यों आए हो, हाँ?
पेपर पढ़ा ना, सो आपने पेपर देख के क्या रिएक्शन था आपका देखे सर, देर आर मैनी पेपर्स यहाँ, दिस इज नॉट एनी जेके एस एस बी एग्जाम, यू आर गेटिंग वन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई कैन टेल यू द रिएक्शन मीन्स में मेरे देवर एट पेपर्स एंड देवर एट अदर रिएक्शन, सो आई कैन नॉट, मैं फेस से वो दिखा नहीं सकता, एक्साइटेड हैप्पी, दैट कांट बी द केस. देखिए मैं, आई गॉट योर क्वेश्चन. देखो सबसे पहले यू हैव टू टैकल दिस एग्जाम एक स्टेप मैनर में, ठीक है ना. देर आर थ्री स्टेप्स टू दिस एग्जाम, वी हैव द प्रीलिम्स, वी हैव द मेंस एंड वी हैव द वाइवा. मेरे लिए पर्सनली व्हाट आई थिंक इज द डिफिकल्ट पार्ट जो इस एग्जाम का द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट व्हाट आई कॉल एज इट वॉज मेंस. आपको दिन में दो पेपर्स लिखने हैं फ्रॉम 10 to 1 एंड देन फ्रॉम 2 to 5 एंड कंटिन्यूसली तीन दिन के लिए. सो तीन दिन इज 24 into 3, ठीक है, दैट्स अराउंड 72 आवर्स. उसमें से आपको लिखना है 6 into 3, ठीक है, लाइक 6 आवर्स अ डे तीन दिन तक, 18 आवर्स आप 72 आवर्स में जस्ट योर राइटिंग. और फिर आपको यू हैव टू स्लीप ऑल्सो, और वो प्रेशर अलग से कि यार मेरे पेपर्स कैसे जा रहे हैं, किसी पेपर में कुछ ऊपर नीचे तो नहीं गया, ठीक है ना. आप रिएक्शन का जो पूछ रहे हो, व्हेन यू गेट द फर्स्ट टू पेपर्स, दिस इज एसे एंड यू हैव द इंग्लिश पेपर, उसमें रिएक्शन ओवरऑल सबका ठीक ही होता. सो आई हैव रिटन समथिंग, आई वॉज एबल टू कम्प्लीट द पेपर, तो दैट्स इट. जैसे ही द रियल गेम स्टार्ट्स व्हेन यू गो फॉर द GS1 पेपर, ठीक है, वहाँ पे यू जस्ट टियर दैट पेपर की वो सील होती है. Then there are 20 questions, ठीक है, 10 marks के you have this 10 questions and 15 markers 10. जब आप उन 20 questions को एक ऊपर से वो देखते हो for the first 2-3 minutes, then there comes your first reaction अपने आप के साथ कि मेरा क्या होने वाला है इस पेपर में, right? And let me tell you people this thing, अभी आप लोग भी देखते होंगे, मुझे पता है you surely would have seen the papers of prelims and mains. और मैंने भी देखे 2 साल पहले आज से, ठीक है, it was August 2021. मुझे कुछ भी नहीं आया, मतलब मैं सोच रहा हूँ यार ये लोग करते कैसे है, ठीक है. सेम मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, हाउ द जर्नी स्टार्टेड YouTube से. अब मतलब मुझे पता था कि सिविल सर्वेंट बनना है, इट्स नॉट कि मैं YouTube से मोटिवेट हुआ और मैं सिविल सर्वेंट बना. तो हाउ इट स्टार्टेड वॉज कनिष्क कटारिया टॉपर थे, और अथर सर के तो सबने ही हमने वीडियो देखे, मतलब इनका तो बोलना ही नहीं है. J&K में जो अथर आमिर को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, राइट, एटलीस्ट UPSC JKPSC कैंडिडेट, राइट. मैंने कनिष्क कटारिया का वीडियो खोला तो आई वाज लाइक अब कैसे करते हैं, वो भी बोले सिलेबस पढ़ना है, यू हैव टू बाय द सिलेबस एंड ऑल दोस थिंग्स. बट पता पहला क्या होता है, हाँ आप सबको लगता होगा कि इस एग्जाम में मुझे लगता है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, ठीक है. एक बार आप शुरू हो जाओ ना फिर आपको पाथ मिल जाती है. लेकिन मुझे लगता है 90% ऑफ द कैंडिडेट्स, अगर मैं बोर्ड का थोड़ा यूज करूँ, आई हैव शेयर्ड दिस 2-3 बार, स्टिल आई वुड शेयर इट हेयर ऑल्सो. फिर मुझे ये समझ आया जो मैंने मतलब आई वर्क फॉर 2-3 मंथ जब मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे ये चीज़ समझ आई, चलो दिस इज ए पॉइंट, ठीक है, एंड दिस इज बी पॉइंट. ये यहाँ पे इट्स यू मी, हम सब जो मतलब सिलेक्टेड नहीं होते, बस हमारा एक सपना होता है, वी हैव टू गो, मतलब हमें एग्जाम देना है, वी हैव टू क्वालिफाई. पहुँचना यहाँ पे होता है, दिस इज आज का दिन जब मैं चाणक्य में तुम लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ कि मैंने कैसे किया, ठीक है, दिस वॉज द जर्नी. पता वॉट पीपल डू इज, मोस्ट ऑफ अस, हमारी जर्नी पता कैसे होती है, ये होती है ना, दिस इज द जर्नी. 90% कैंडिडेट्स की जर्नी यही होगी, इसमें कोचिंग भी आएगी, इसमें एवरीथिंग, इसमें डिप्रेशन आता है, इसमें हार्ट ब्रेक्स आते हैं, मैनी मोर थिंग्स, राइट. ये जब ये देखो ना, तुम चलना कहाँ कहाँ से, कितनी कर्व्स है, इसमें 5 साल लग जाते हैं, तब तक हम हो गए होते हैं 30 के. हमने JKSSB में फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में कुछ अकाउंटेंसी अलग था, वो तो JKPSC में था ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं होता, हम उसमें भी फेल होते. दीज आर नो नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, यू जस्ट डोंट टेक इट अदरवाइज. मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक जनरल कैंडिडेट मैं भी हूँ, मैं आई हैव ऑल्सो फिल्ड द JKSSB फॉर्म्स. मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था ना,
आज अभी कुछ देर पहले मैं फ़ोन पे अभी टेक्स्ट देख रहा था, somebody told me कि उसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने दो बार एग्ज़ाम दिया वो, ठीक है, जेके दिस SSB एग्ज़ाम। मेरा पहली बार भी हो गया, आई क्वालिफाइड इट विद गुड मार्क्स, एग्ज़ाम कॉश हो गया, ठीक है। अब मेरे हाथ में था उसको कुछ, मैं क्या कर सकता था, नथिंग। मैं इधर जाता अब इस लूप में, अब नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता यहाँ, तो फिर मैं आज यहाँ पहुँचा ही नहीं होता, मत मैं उसी लूप में रह जाता। वट वी पीपल डू इज, अब आज दूसरी बार ये वाला रिजल्ट मेरा आ गया, मैं अब फिर से सेलेक्ट हूँ उसमें आज, इवन दो आई वॉन्ट जॉइन इट नाउ, बट जो मेहनत थी ना, मैं तुम लोगों को इतना बोलूँगा, वो कभी ज़ाया नहीं होती है, ठीक है ना, वट एवर एग्जाम यू गो फॉर। हमें लेकिन अब इस स्ट्रैटेजी में, मतलब तुम्हें नहीं कैसे नहीं जाना है, दैट्स वॉट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट, राइट। हमें ऐसे आना है, लेकिन हम हुए जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीरी खास तौर पे, मोस्टली वुड बी कश्मीरी पीपल, ठीक है, सीधा हम चलेंगे नहीं कभी भी, है ना, वो कोई नहीं चल सकता हम में से। हम क्या करते हैं, सीधा क्यों नहीं चलेंगे, इट्स नॉट कि हम वी आर एफिशिएंट, हम अथर सर भी हम में से ही है, वो सीधे चले थे, ठीक है। वट वी डू इज, हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रोकास्टिनेशन की होती है, होता है। अभी तुम लोग ये लेक्चर सुन के जा रहे हो ना, अथर सर का सुना तुमने, मेरी तो बात ही छोड़ो, मतलब अथर सर का सुन के यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ। पता होगा क्या, अभी इट्स अराउंड 2:30, 5 बजे तक तुम घर पहुंचोगे, मोटिवेशन कितनी हाई होगी आज, है ना, यू आर सीइंग सम यंग पीपल बकवास कर रहे तुम्हारे सामने, समथिंग लाइक दैट, राइट। अभी मेरे भाई भी बोलेंगे, 5 बजे तुम बोलोगे अब 8 बजे से 2-3 घंटे रेस्ट, 8 बजे से आज लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर ख़त्म, और फिर आज इट्स समथिंग, फिर तुम्हें कल चाणक्य की क्लास होगी, तुम शाम को 1 घंटा पढ़ोगे, बोलोगे आज थक गए, आप कल क्लास दे के पढ़ूंगा, और हमारे ऐसे ही निकल जाते, 6-7 महीने तो इसी में चले जाते। दिस इज़ प्रोकेस्टिनेशन जो हमें होती है भाई, मेरे साथ भी होती थी, समझा मैंने कोचिंग नहीं ली है, ठीक है, तो कोचिंग वाला वो 2-3 घंटे का मुझे नहीं पता, वो हाउ यू मैनेज, यू पीपल मैनेज दैट। मेरी जर्नी कुछ ऐसे रह गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जिंदगी में सैग तो होता है। अब अगर ऐसे जाना है, दिस इज आई वुड से वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है कि दिस इज अनअटेनेबल, जैसे अथर सर की जर्नी, इट वॉज इट, आई कैन नॉट से, मैं मतलब उन पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट वॉज स्मूथ, मतलब उनने एग्जाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक समथिंग लाइक दैट। अब लेकिन अथर सर की जर्नी, उनको जो जैसे वो बोल रहे थे, ए से बी तक उनको पता था जाना कैसे, ठीक है ना, एटलीस्ट तभी वो रैंक, मतलब उस रैंक पर आ सके। मेरी जर्नी ऐसी रही, सैग वाली थोड़ी सी, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वाले प्रोसेस पे नहीं गया। अब मैं वहाँ पे कैसे नहीं गया, बिकॉज आई न्यू कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, तुम जैसे लेट्स टॉक अबाउट, मैं सिलेबस को जो लेट्स टॉक अबाउट प्री फर्स्ट, राइट, तो मैं सिलेबस को, सब बोलते कि सिलेबस याद करना है, मैंने कैसे याद किया, मैं उसको बोलता हूँ बिग फाइव, ठीक है, प्री के सिलेबस को बिग फाइव। तो वॉट इज बिग फाइव, मैं बोलता हूँ कि दिस इज पॉलिटी, दिस इकोनॉमिक्स, वॉट एल्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए ना। नाउ तुम लोग बोल रहे हो कि साइंस एंड टेक कहाँ रखा इसने, IR कहाँ रखा, होते ना वो भी सब्जेक्ट्स, लेकिन व्हेन यू सी द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, ये 5 सब्जेक्ट जो है, अगर आपको इन सब का स्टैटिक पता है ना, स्टैटिक इनमें से ही आने वाला है। साइंस एंड टेक की बात रही, इसमें अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट्स से 15 आते हैं, उनमें से 12 सवाल हमेशा करंट अफेयर्स में से होंगे, बीट UPSC और JKPSC। लेकिन पॉलिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 2022 के पेपर की बात करो, देयर वाज अ क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, ठीक है, ये डायनेमिक क्वेश्चन है या स्टैटिक क्वेश्चन है। अब मेरे पेपर में 2022 के प्रीलिम्स में देयर वाज सम 15 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, एंड आई कैन बेट, अगर आप घर जाके देखोगे ना, इसमें से 10 सवाल जो है वो सीधे स्टैटिक के हैं और लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ कॉन्सेप्ट, राइट, वो किसने दिया था, देयर वॉज अ फ्रेंच जज, मोंटेस्क बोलते थे उसको, ठीक है, वो भी लक्ष्मीकांत में था क्वेश्चन, वो नोट्स एंड रेफरेंसेज में था, Part 2 के Chapter 1 के नोट्स एंड रेफरेंसेज में, ठीक है, तो वो वहां से, मतलब यू कुड हैव फाइंड दैट। बोलने का ये मतलब है, जब तक आप बिग फाइव का स्टैटिक नहीं पढ़ोगे और आपको पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, आप इस एग्जाम में कभी, मतलब जो डायरेक्ट वाला पाथ है उस पर चल ही नहीं सकते हो, जो मैंने मिटा दिया अभी, ठीक है, यू वुड ऑलवेज बी इन दैट क्लटर्ड पाथ, ठीक है। तो जस्ट अगर आप कोचिंग आ रहे हो ना, कि आप चाणक्य में आ रहे हो, दिस इज अ बिग एकेडमी, मतलब यू हैव लॉट ऑफ टीचर्स जिनने बहुत
अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन है उनके पास। पता है एक चीज हमेशा टीचर से बोला करो कि सर मेरे को बताओ अगर मेरे को पॉलिटी पूरा पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो बता दो मुझे, ठीक है, ताकि तुम एक टारगेट रखो कि यार मेरे पॉलिटी में टोटल 50 टॉपिक्स है फॉर एग्जाम्पल, मैं इनको पढ़ रहा हूं, पहला तो होता है रीडिंग, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इनको रिपीट कर रहा हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं। दिस इज अदर स्ट्रैटेजी, इसको RRR बोलते हैं, और दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट एनीबडी वुड टेल यू जो भी एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि मैंने रिपीट नहीं किया था, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। इस एग्जाम का मंत्र ही यही है, इफ यू वांट टू क्वालिफाई आपको पहले पढ़ना है द फर्स्ट रीडिंग द सेकंड रीडिंग एंड देन यू हैव टू रिपीट रिपीट एंड रिपीट। अब लेकिन कैसे रिपीट करोगे तुम? अब एक दिन मैंने पॉलिटी पढ़ी लक्ष्मीकांत से, दूसरे दिन मैं खोल रहा हूँ डीडी बासु, तीसरे दिन मैं खोल रहा हूँ पता नहीं चाणक्य के नोट्स, हो पाएगा रिपीट ये? डू यू थिंक होगा? नहीं होगा। अगर तुम इधर से पढ़ रहे हो जस्ट रीड फ्रॉम दिस सोर्स, हो गया खत्म। पॉलिटी आप यहां से पढ़ रहे हो जस्ट रीड इट फ्रॉम हेयर, तुम डीडी बासु से पढ़ रहे हो जस्ट रीड इट फ्रॉम हेयर। हाँ आप बोलते हैं लोग कुछ थोड़ी सी हमें एनरिचमेंट्स करनी होती है, तो मुझे एक बात बताओ, मतलब पहले जब जिसको ये नहीं पता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है वो एनरिचमेंट क्या करेगा, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग शुड बी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है हमारी, जैसे पॉलिटी में द बाइबल इज लक्ष्मीकांत, राइट? इफ एनीबडी ऑफ यू जिसने स्टार्ट की है प्रिपरेशन, उसको सबसे पहले रखना चाहिए दिमाग में टारगेट कि मैं लक्ष्मीकांत को जो है वो पढ़ लूंगा, ठीक है? देयर आर सम चैप्टर्स जैसे फंडामेंटल राइट्स है, देयर इज प्रेसिडेंट, देयर इज पार्लियामेंट, इनमें से डेफिनेटली आपके प्री में क्वेश्चन आएंगे, बी इट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स और केएस प्रीलिम्स, ठीक है? तो जस्ट डिफाइन योर सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस में बस इतना लिख के है कि करंट एंड समथिंग इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ, वो करंट अफेयर होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ करंट अफेयर्स, हाउ वुड यू डिफाइन दैट नाउ, कौन से इवेंट? अब आप एक पर्टिकुलर, जैसे अथर सर ने बोला एक पर्टिकुलर मैगजीन पकड़ लो, उसमें मैंने विजन से किया था, ठीक है, जो मंथली होता है विजन का मंथली, मैं साइंस एंड टेक कैसे प्रिपेयर करता था आई वुड लेट यू नो। मैंने कोई एनसीईआरटी वेनसीईआरटी नहीं पढ़ी साइंस एंड टेक के लिए, नथिंग, मैं मंथली मैगजीन्स लाता गया और मेरे लिए साइंस एंड टेक का हर महीने एक चैप्टर होता था मंथली मैगजीन में, विजन में एक चैप्टर होता है लास्ट में साइंस एंड टेक करके, उसमें बहुत से टॉपिक्स होते हैं, राइट? जैसे अगस्त का महीना है देयर वुड बी चंद्रयान, देयर वुड बी आदित्य L1, और मैं उसको भी हाईलाइट करता था एक हाईलाइटर लेके, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है, आई वुड शेयर दिस थिंग विद यू, मेंस हमारा फेब में था, ठीक है, जब मैंने जनवरी में विजन की करंट पढ़ी, देयर वाज दिस, मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने इंडेक्स खोला विजन की मैगजीन का, ठीक है, इंडेक्स होता है पहले उसमें ऐसे होता है पॉलिटी, फिर पॉलिटी के टॉपिक्स, देन IR, फिर IR के टॉपिक्स, फिर एनवायरमेंट के, मैंने देखा यार इकोनॉमी में एक टॉपिक है मूनलाइटिंग, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये क्या मूनलाइटिंग, मतलब चांद पे बल्ब जलाना है, अगर मेरे को ये मेंस में आया होता मैं क्या लिखता उसमें, कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग। तो मैंने देखे टॉपिक्स, मैंने बोला रादर देन मैं इनको अब पढ़ूंगा, पहले मेरे को मूनलाइटिंग पता ही नहीं, मैं पहले मैंने पेज खोला देखा कि मूनलाइटिंग क्या होता है, ठीक है, उसको याद रखा, तो उस टॉपिक को अपने नोट्स पर लिख दिया कि मूनलाइटिंग मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है। देयर वाज वन मोर टॉपिक जियोग्राफी, बीइंग ए सिविल इंजीनियर मैं वो बंदा था, मुझे पता ही नहीं था मास वेस्टिंग क्या होता है, मैंने लैंडस्लाइड्स पढ़े थे, ठीक है, जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ी है, लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन आता कि राइट डाउन ए नोट ऑन मास वेस्टिंग, मुझे मैं शायद सीवेज का वो कुछ लिख देता कि डंपिंग साइट्स में कुछ वैसा, ठीक है, तो वो भी मुझे करंट अफेयर की मैगजीन से पता चला। तो दिस इज मतलब हाउ यू रिलेट करंट को स्टैटिक के साथ, इवन दो मैंने पढ़ा हुआ था वो चैप्टर्स, लेकिन शायद मेरा ध्यान उन चीजों पर नहीं गया था, ठीक है ना। लेकिन करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आई वुड टेल यू फॉर द फर्स्ट वेरी टू मंथ्स जिनमें आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अपने जो बिग फाइव है मतलब स्टैटिक के, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, इनकी कोई सोर्सेज होंगी जो आप लोगों को कहीं भी मिलेंगी, एवरीबडी इज गोना टेल यू दो सोर्सेज, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, एनवायरमेंट में बहुत से लोग शंकर पढ़ते थे, अब द ट्रेंड हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट, हम जाते हैं अब PMFIS की मंजुनाथ थनमिंडी करके एक किताब आती है, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं, मतलब आई एम टेलिंग द स्टैंडर्ड बुक्स। हिस्ट्री में यू हैव मॉडर्न इंडिया, यू हैव एंशियंट एंड मिडीवल, उनके लिए भी आपको सोर्सेज मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जो चीज़ आपको मिली है फॉर एग्जांपल एंशियंट इंडिया, आप चाणक्य के नोट्स से पढ़ रहे हो, आप उसी से पढ़ो और बार बार रिपीट करते जाओ उसको, ठीक है ना। अब उसको चेक कैसे करना है, आपको टेस्ट सीरीज होती होंगी चाणक्य की भी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उन पे जाके यू जस्ट ट्राई कि मेरे को कितने आ रहे हैं, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, फॉर एग्जांपल आपके एक फुल लेंथ टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, ठीक है, चार महीने की प्रिपरेशन के बाद फॉर 6 आवर्स यू वुड हार्डली बी एबल टू, मतलब ठीक तुम 20 सवाल करोगे इसमें से हार्डली, और अगर मतलब मेरे जैसा बंदा वो 10 ही कर पाएगा।
आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन 100 सवालों में से 10 सवाल वो वाले जिन पे यू आर श्योर कि भाई ये मैंने ठीक किए, वो वहीं पे पता चल जाता है, ठीक है। तो इससे लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना, मेरे साथ भी हुआ, बट स्टिल आई एम हियर विद रैंक 5, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ना, हमें, मैंने जो कहा 90% कैंडिडेट्स को, यहीं पे हम उस लूप में चले गए होते इस वाले में, क्योंकि हमें जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना, हमें कुछ भी नहीं आता है उसमें से, लेकिन यू हैव टू कीप मूविंग राइट प्रीलिम्स के टाइम तक, यू हैव टू कीप मूविंग। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, मतलब उस लूप से बचने के लिए। तो ये वाली स्ट्रैटेजी मेहरबानी करके, एक तो बिग 5 एंड RRR फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी ऐसा होता है। तो हमेशा जो पहले आपका स्टैटिक पोर्शन है उस पर पूरी होल्ड बनाओ। लास्ट एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू पीपल इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, ठीक है, हिंदू पढ़ते हैं हम। मैंने हिंदू पढ़ा था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने भी सोचा कि मैं स्टार्टिंग पहले दिन से ही हिंदू से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा। मुझे देयर वर 50% न्यूज़ जो मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या बोल रहे, खासतौर पर इकोनॉमी विकॉनमी में कुछ भी समझ नहीं आया। वहां लिख के था आज रेपो रेट बढ़ गया कुछ 0.5%। मैं बोलूँ क्या रेपो रेट, ये क्या होता है, ठीक है। वो मुझे पता कब समझ आई, जिस टाइम पे मैंने बिग 5 में इकोनॉमी की किताब लाई एक, मैंने उससे रेपो रेट पढ़ा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी वॉलिसी होती है उसमें रेपो रेट होता है। फिर मुझे समझा अच्छा इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, अच्छा फिर अखबार पे वो लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ यू रिलेट द करंट विद स्टैटिक। पहले लेकिन स्टैटिक को थोड़ा फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग इट विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? If you people have related to something else, किसी को depression पे सवाल पूछना है, it's not only about पढ़ाई, पढ़ाई पे तो you get a lot of videos also on YouTube, anything जो journey के related, any questions? Yes ma'am, you can ask. Weak point, मैंने कहा as most of us have this weak point, procrastinate मैं बहुत करता था, ठीक है। एंड दैट टू, पता है हम लोग कोचिंग बेसिकली ज्वाइन क्यों करते हैं, इसलिए नहीं कि कोचिंग में कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, कोचिंग में ही, कोचिंग करने के बिना हम सेलेक्ट नहीं होते। हमें पता होता है हम घर पे अगर ऐसे, तुम्हारी 10 बजे क्लास होती है यहाँ पे चाणक्य में, तुम्हें पता है यार 9 बजे मैं उठूंगी मैं चाणक्य जाऊँगी और मेरे 2-3 घंटे मैं एटलीस्ट दिन में पढ़ लूंगी। उस वजह से मुझे भी वो डर था कि पता नहीं मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं खुद पढ़ना स्टार्ट करूँगा, मैं पढ़ूंगा भी या नहीं, ठीक है। तो पहले 1-1.5 महीने मुझे बहुत मुश्किल हुआ, बहुत बहुत मुश्किल, आई स्टिल रिमेंबर इट, अभी 2 साल पुरानी बात है। बट वॉट आई डेड वॉज, मैंने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया अपने लिए, ठीक है। मुझे पता था मैं 7 बजे नहीं उठूंगा, मैं एक दिन रखता कि मैं 7 बजे उठूंगा, मैं नहीं उठता। और एवरीबडी इज डिफरेंट, कोई उठ सकता है कोई, मेरा टाइम टेबल होता था फ्रॉम 6 आवर्स अ डे, जब स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम 10 AM to 1 PM, और उसमें बीच में मैं चाय वाय पीता था फॉर सम टाइम के, गाने वाने एक दो सुन लेता था मैं, दुखी वुखी वो ये, तो हो गया मसला खत्म। फिर फ्रॉम 1 to 2 मैं नमाज वमाज भी पढ़ता था, मम्मा भी बोलती थी तो यू हैव टू, तो उसके बाद मैं लंच भी करता था। फिर 2 से 5 तक अगेन मैं फिर से बैठता था पढ़ने। लेकिन पता हमारे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, मैंने सोशल मीडिया डीएक्टिवेट नहीं किया, जो मुझे लगता है गलती भी की, ठीक है, आई वुड टेल यू करना चाहिए डीएक्टिवेट। तो मैं फ़ोन साइड में रखता था, मतलब रख दिया म्यूट पे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना आए। पहले 1-1.5 महीने मैं, मुझे आदत थी, मैं फ़ोन उठाता था, फिर इंस्टा पे रील्स बीच में, फिर मैंने देखा यार मैं तो 6 घंटे मैंने टाइम टेबल रखा है, मैं ये भी पूरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो व्हाट आई डिड वाज, उसके बाद एक अच्छी चीज़ हुई बीच में, तो मतलब मेरा यहाँ पे रूम है, उसके आगे मेरे पापा का रूम है, मैं क्या करता था, मैं फ़ोन लेके जाता था ऑफ करके, मैं पापा के रूम में रख देता था फ़ोन, ठीक है। बहुत टाइम तक मैंने ये भी किया, यू कैन आस्क माय मॉम, अगर वो कभी मिली आप लोग से। तो एक बार तो मैंने, मतलब बिफोर प्री, मैंने क्या किया, मैंने बोला मम्मा को मैं फिर भी जाता हूँ रूम में अपने रूम से और फ़ोन लाता हूँ वहाँ से, तुम काम करो, तुम रूम को ही बंद करो, ठीक है। अब मुझे पता मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, क्योंकि फ़ोन मुझे लगता है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो हमारे लिए है ना, इट इज़ फ़ोन, तुम मानो या ना मानो, और मेरे जैसे बंदे के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा। मुझे अभी पता नहीं 600 मैसेजेस है फ़ोन पे, और अब आज तो माशाल्लाह कैंडिडेट्स की मैसेजेस है, वो ऐसे भी दोस्तों की, मैं दोस्ती, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, वो दोस्ती यारी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। दोज आर सम ऑफ द थिंग्स। और मैम इफ यू आर कमिंग टू द कोचिंग क्लासेस, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू पीपल जो कोचिंग आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों से कितने यहाँ पे पढ़ते, इफ दे गिव यू 3 आवर की क्लासेस देते हैं वॉट एवर इट इज, उसको तुम ऐसे लो तुमने कुछ नहीं किया दिन में, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। जब तक तुम घर जाके अगर खुद 4 घंटे नहीं दे पा रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तुम बस अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि मैं बस पढ़ रही हूँ यूपीएससी के लिए,
ठीक है, एवरी डे शाम को अपने आपको यू जस्ट आस्क योर सेल्फ वट वॉज द आउटकम ऑफ द डे. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आई एम गोना गिव यू पीपल इज लक्ष्मीकांत किताब है ना, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं 3 घंटे में रिपीट करता हूँ, नहीं मानोगे, बोलोगे फेंक रहा है, रैंक 5 आया, कुछ भी फेंक सकता है ना. आई डू सम कभी मैं अभी यही सेशन है, ग्लोरिफिकेशन सेशन, मैंने वो किया ये किया. कभी मैं आगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिला, आई वुड ट्राई टू वो एक सेशन लेने की कोशिश करूंगा मैं. आई वुड जस्ट शो कि कैसे, मतलब एटलीस्ट इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हैज 11 पार्ट्स, राइट? तो उसके जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है, दीज आर द बल्कीएस्ट पार्ट्स, ठीक है. आई वुड शो एटलीस्ट कि ये 3 पार्ट कैसे हम 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं. और सारा जैसे अथर सर बोल रहे थे, देयर कम्स अ टाइम जब आप इतना रिपीट करते हो ना. मैं लक्ष्मीकांत को ऐसे पढ़ता था, मतलब अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेंट फीचर्स, प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब मुझे याद है, इफ यू टेल मी लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मैं अभी पढ़ूंगा यहाँ पर पूरी लक्ष्मीकांत, और हार्डली आई वुड उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स छोड़ूंगा. वो कैसे हुआ? बिकॉज मैंने कुछ भी और नहीं पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ी, 2 साल से लक्ष्मीकांत को 12 बार रिपीट करता गया. और वैसे नहीं कि मैं हर बार एक लाइन पढ़ता गया कि इफ देयर इज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, अब मैं बार बार उधर देखा, फिर बुक से पढ़ा राइट टू इक्वालिटी. मेरे को पता है आर्टिकल 14 है, मैं अपने आप को खुद सुनाता था, अच्छा ये राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूके से लाया, अच्छा ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये हमने यूएस से लाया. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या होता है? अनलाइक कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है, ओके, राइट टू इक्वालिटी. अगर मुझे पूछा गया ये होता क्या है, मैं बोलूंगा एवीडीसी का 3 पॉइंट्स. अच्छा, एवीडीसी का 3rd पॉइंट जो है वो इंडिया में अलग है और यूके में अलग है, मुझे वो भी पता है. फिर मैं देखता हूँ उसके बाद में, फिर लक्ष्मीकांत को देखता हूँ, मैंने मत कुछ छोड़ा इसमें, फिर मुझे याद आ गया इसका, हाँ मैंने छोड़ा, क्या छोड़ा, इसलिए कुछ एक्सेप्शन भी है राइट टू इक्वालिटी की. आर्टिकल 361 गवर्नर प्रेसिडेंट आ रहा है मुझे याद अब, ठीक है ना. सो दैट इज द पॉइंट. वही मेंस में भी होता है, व्हेन यू सी ए क्वेश्चन वहां पे कसम से तुम्हारे पास यू डोंट हैव द टाइम कि तुम, हम करते हैं ना 10वीं 12वीं में हमें आदत होती है, अच्छा अब बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, मेंडल की थ्योरी, मैंने तो ये सोची थी पहले मैं ये पॉइंट लिखूंगा. अगर तुम यहां सोचने बैठे ना, 2 क्वेश्चन तो चले गए पहले पेपर के मेंस के, इतना ज्यादा तेज. और मुझे तो लगता है दिस इज समथिंग आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, मुझे लगता है पता नहीं क्या है मीन्स, मतलब इतना तेज और यू हैव टू राइट, मतलब हाँ सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है ना. तो आप वो कैसे कर सकते हो? ओनली आफ्टर रिपीटेशंस, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू इट. और ट्रस्ट मी, मेन्स और प्रिलिम्स में ऐसा हो गया. एग्जाम वन लास्ट दिस टॉपिक जो मैं आई वॉन्ट टू टच इज द डायनेमिक्स ऑफ द एग्जाम, ठीक है. अप टू 2018 इफ यू पीपल वुड हैव सीन द पेपर्स, राइट, JKPSC दे रहे हो ना, पेपर नहीं देखे 2018 तक क्या आता था क्वेश्चन? मैंने शायद शेयर पहले भी किया, आई वुड शेयर इट वंस अगेन विद यू पीपल. रिसेंटली एक न्यूज बताऊंगा, तुम लोग अगर पढ़ते होंगे JKSSB या JKPSC की न्यूज या ओवरऑल. अनंतनाग में मुश्कबुज्जी राइस है, उसको GI टैग मिला, राइट. पता है 2018 तक पेपर में क्या आता, मतलब दिस इज अ ट्रेंड आई एम टेलिंग यू. अभी 1-2 साल बाद जो मेरे बाद कैंडिडेट्स आएंगे, मे बी इट वुड बी समथिंग एल्स. 2018 तक ट्रेंड होता था, दे वुड आस्क यू, ओके सो दिस क्वेश्चन इज कि रिसेंटली किसको GI टैग मिला, ठीक है. तो पता है मुश्कबुज्जी राइस, देखा हाँ 2 नंबर तो हो गए, चलो आगे, ठीक है. कट ऑफ भी वैसे ही जाते थे, कट ऑफ इन 2018 वाज इन प्रीलिम्स इट वाज 93, एंड डू यू नो व्हाट वाज द कट ऑफ दिस टाइम इन 2022 प्रीलिम्स JKPSC, इट वाज अराउंड 55 इन ओपन मेरिट. किधर पहुंचा है कट ऑफ? तो अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, वो तेरे तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है, मेरे लिए भी आ रहा है, एवरीबडी ऑफ अस, उस चीज को मत पैरामीटर बनाओ कि अब ये हो ही नहीं सकता है. पेपर डिफिकल्ट है सबके लिए, पेपर इजी है सबके लिए. नाउ मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, अब वो तो 2018 था, अब यही करंट अफेयर अगर मैं आज पढ़ रहा था, ठीक है ना. मुश्कबुज्जी राइस मैंने पढ़ लिया कि मुश्कबुज्जी राइस है, मुझे GI टैग लेकिन नहीं पता था, तो मैंने अपने दिमाग में प्रीलिम्स का यहीं पे क्वेश्चन बना दिया. अगर मेरा नहीं होता 2022 में, 2023 के लिए मैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा रहा था बिफोर हैंड कि जो ये GI टैग है कौन सी मिनिस्ट्री देती है. मतलब मैंने दिमाग में अपने से क्वेश्चन बनाया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द GI टैग प्रीलिम्स. पॉइंट नंबर 1, इट इज गिवन बाय डिप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मौकी. फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, मुझे ये पता है. सेकंड पॉइंट, जो GI टैग है क्या ये दवाइयों को दिया जाता है 20 साल के लिए? ड्रग्स को दिया जाता है GI टैग? ये वहां एक स्टेटमेंट हो सकती है ऐसे भी. और तीसरा पॉइंट जो JKSSB का सवाल कि रिसेंटली इट वॉज गिवन टू मुश्कबुज्जी राइस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, दिस वॉज ए क्वेश्चन. तो जब आप पढ़ रहे हो ना, खासतौर पर करंट अफेयर्स भी, जस्ट ट्राई टू मेक, पता है
एवरीबडी ऑफ वुड एवरीबडी अमंग यू वुड टेल दिस थिंग 370/22 बार इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए. जरा एक कोई बंदा तुम में से क्वेश्चन बना के दिखाओ 370 पे. पढ़े होंगे ना करंट 370. अब अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त भी बात चल रही है उस पर कि ठीक है ना, क्या एक क्वेश्चन बनाओ प्रीलिम में जैसे 370 पे क्वेश्चन आ सकता है. क्या पूछेंगे 370 का ड्राफ्टर कौन था? क्यों बोल रहे हो तुम ना, क्योंकि तुमने पेपर को एटलीस्ट पेपर समझा कि आजकल हाउ पेपर इज बीइंग आस्क्ड. अब कैसे बनेगा क्वेश्चन? ठीक है, जेएनके को इट वाज अ स्टेट, राइट? इट वाज अ स्टेट. इस स्टेट को तोड़ दिया, इसको दो यूनियन टेरिटरीज बना दी. तुमने पॉलिटी पढ़ी है ना? ठीक है, देयर इज अ चैप्टर इन पॉलिटी, उसमें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 आता है, दैट दे वर यूज्ड. ठीक है, उन चीजों पे क्वेश्चन आ सकता है. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दिस आर्टिकल इज इन न्यूज. सिमिलरली द इंटरप्रिटेशन पार्ट ऑफ आर्टिकल 367. 370 तो आर्टिकल का नाम है, केस का नाम है. व्हेन यू रीड इट फ्रॉम विजन और चाणक्य आईएएस और किसी भी एकेडमी केस से, यू वुड बी सीइंग कि एक इस केस में एक इन्वॉल्व है आर्टिकल, दैट इज 367. मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन, जैसे मेरे को भी पहले लगा शायद हमने सुना है अमेंडमेंट होता है पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, राइट? दैट हैज नॉट बीन यूज्ड हियर. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कवर फॉर दिस एग्जाम. नॉट कि आर्टिकल 370 का ड्राफ्टर कौन था, आर्टिकल 370 किस डेट को इंप्लीमेंट हुआ. देर आर वेरी वेरी रेयर चांसेस दोज थिंग्स वुड बी आस्क्ड. पुट्टस्वामी जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में, दिस दिस पार्ट. ठीक है, कोर्ट ने मेनका केस के बाद बोला था फलाना फलाना चीजें भी आर्टिकल राइट टू लाइफ में आएंगी. राइट टू लाइफ का मतलब इतना ही नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन देंगे हम सिर्फ आर्बिट्री लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन से. उसमें राइट टू स्लीप इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट. डू यू नो दिस थिंग? तो दीज आर द थिंग्स जो करंट को आपको लक्ष्मीकांत के साथ जोड़ना है. ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत सी एग्जाम्पल्स दी है, मेरे बाकी भाइयों को भी बात करनी है तो वो नाराज हो जाएंगे, तो दैट्स इट. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू.